वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुषमा और मैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा टॉपिक से हटके वीडियो लाई हूँ, जो कि है अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, जो कि मुझे काफी दिन से डीएम आ रहे थे कि दी आपने अपने 1000 सब्सक्राइब कैसे कंप्लीट किए, प्लीज शेयर करें। एंड फाइनली आप लोगों के कहने पे मैं ये वीडियो ले आई हूँ। एंड काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए भी ये 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना, आसान नहीं है। 1 ईयर तो बिल्कुल मैंने अपने चैनल पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी बिजी रही। एंड 2nd ईयर जब मैं अपने चैनल पे मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ये आसान नहीं था मेरे लिए भी, क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में कुछ भी नहीं जानते हो, ABCD भी नहीं जानते हो कि कैसे अपने शॉर्ट्स को वायरल करें, कैसे क्या करना होता है। और यूट्यूब के एल्गोरिदम को तो आप बिल्कुल भी स्टार्टिंग फेज में नहीं जान सकते, और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस बंदे भी नहीं जान सकते कि वो कैसे काम करता है। सो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है ये 1000 सब्सक्राइबर गेन करना। सो आप 100 तो फिर भी सब्सक्राइबर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कह के कर सकते हो, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर करना मतलब बिग थिंग है आपके लिए। मैं लेकिन 0 to 1000 सब्सक्राइबर मैंने जैसे किया है वो आपको मैं शेयर करने वाली हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हाय, माय नेम इज सुषमा, मैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ अपने चैनल पे, एंड कभी कभी ब्लॉग भी डालती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और जो भी मैं इस वीडियो में ट्रिक आपको बताने वाली हूँ सब्सक्राइबर गेन करने वाली, वो आप अगर अपने चैनल पे फॉलो करोगे उन ट्रिक्स को, तो मेरी गारंटी है आपके चैनल पे सब्सक्राइबर गेन होगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ही। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, और हाँ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक भी पॉइंट आपके छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता इसमें से कौन से ट्रिक्स आपके लिए काम कर जाएं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको एक शॉर्ट्स तो डेली अपलोड करने हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने जब तक कोई एक वीडियो मेरे दिन में वायरल नहीं हो जाते थे, मतलब एक दिन में मैं 3 टाइम पे वीडियो डालती थी शॉर्ट्स वीडियो, एंड कोई अगर वीडियो मेरी शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो जाती थी तो मैं स्टॉप हो जाती थी। अदरवाइज उस दिन मेरे 5 वीडियो भी हो जाते थे। कई बार ऐसा होता है कि आपके एक वीडियो वायरल नहीं हुए, 2 वीडियो वायरल नहीं हुए, लेकिन 3rd वीडियो आपके वायरल हो जाते थे। तो मैं वायरल होने का वेट करती थी एंड मैं देखती थी कि कोई एक वीडियो मेरी वायरल हो जाए, एंड देन उसके बाद फिर मैं रुक जाती थी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप एक दिन में या तो फिर आप एक वीडियो अपलोड करो, या तो फिर आप अगर 3 वीडियो अपलोड कर सकते हो तो 3 वीडियो अपलोड करो। मतलब वो आप पे है कि आप कितना कर सकते हो। मैंने अपना बताया कि मैं कई बार वायरल होने के चक्कर में ना 3-3 वीडियो अपलोड कर देती थी, और एक भी वीडियो उसमें वायरल हो जाती थी तो मेरे 8-10 सब्सक्राइबर तो ऐसे ही बढ़ जाते थे। तो मेरा जो फर्स्ट ट्रिक है वो ये है कि आप एक वीडियो तो हमेशा डालो अपने चैनल पे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 वीडियो अपलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने सेकेंड ट्रिक की। तो आपको जो भी शॉर्ट्स बनाने हैं उसमें आपको अगर म्यूज़िक डालना है तो आप उसमें ट्रेंडिंग म्यूज़िक डालोगे। जैसे कि आप कोई यूट्यूब आप शॉर्ट्स देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक म्यूज़िक, एक सॉन्ग बार बार आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो जो सॉन्ग है वो ट्रेंडिंग अभी है यूट्यूब पे। एंड कोई अगर आप अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रहे हो, जैसे मैं बनाती हूँ, अगर आप कुछ भी आप उस अनबॉक्सिंग कर रहे हो तो उसमें उस सॉन्ग को आप डाल दो, एंड आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। एंड जो 3rd ट्रिक है मेरी वो ये है कि आपको अपने शॉर्ट्स की जो ड्यूरेशन है वो कम रखनी है। जब मैंने नोटिस किया कि 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में मैं कोई भी अगर अपने वीडियोस बनाती हूँ एंड डालती हूँ तो वो ज़्यादा वायरल होते थे, तो मैंने अपने शॉर्ट्स के ड्यूरेशन को कम कर दिया। एंड ऐसे जो शॉर्ट्स हैं वो ज़्यादा वायरल होते हैं, बजाय कि आप 15 सेकेंड के जो शॉर्ट्स हैं वो बनाओ या 60 सेकेंड के शॉर्ट्स बनाओ। मैं लंबे वीडियोज़ भी बना के देख चुकी हूँ, मिनी ब्लॉग, एंड मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करके देख चुकी हूँ। तो
शॉर्ट वीडियो आपके ज़्यादा चलते हैं बजाय कि आप लॉन्ग वीडियो बनाओ। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप दो सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में अगर आप वीडियो कोई बनाते हो तो आपके वो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ ट्रिक की। तो फोर्थ ट्रिक मेरी ये है कि आप अपने चैनल पे गिव अवे ला सकते हो, जैसे कि मैं लाई थी। 2 बार मैं अपने चैनल पे गिव अवे ला चुकी हूँ एंड मेरे सब्सक्राइबर ने ही और भी मैं लाने वाली थी एक्चुअली, मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे सजेस्ट किया कि दी आप अभी रुक जाओ एंड अपने जब 1000 सब्सक्राइबर आप पूरे कर लो तो आप जो थर्ड अपने गिव अवे है वो लाना। तो अब मैं जल्दी ही एक गिव अवे लाने वाली हूँ क्योंकि 1000 कंप्लीट 2-3 दिन में हो जाएंगे एंड ये जो जर्नी रही है उसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। सो आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं थी एंड मुझे पता है कि एक एक सब्सक्राइबर जो मेरे हैं वो एक खास जगह रखते हैं मेरे लिए, जो मुझसे जुड़े हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं मेरी फैमिली बन चुके हैं। सो आप लोग अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। तो अब मैं जो ट्रिक आपको बताने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि शॉर्ट्स जब आप अपलोड करते हो तो उसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे टाइमिंग पे डालते हो तो आपके शॉर्ट्स वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं 6 बजे डालती थी तो मुझे बहुत शॉर्ट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता था मेरे, एंड जब मैं रात 11:30-11 बजे वीडियो डालती थी तो उस समय भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता था। एंड एक और टाइमिंग जो 3:30-4:30 का होता है बीच के टाइमिंग का, वो भी मेरे को बहुत सूट करता था। सो इन तीनों टाइमिंग में अब अगर आप अपने वीडियो को डालते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं शॉर्ट्स वायरल होने के। एंड मेनली फ्राइडे नाइट से लेकर के संडे तक जब लोग बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अपने वीडियोस को डालना चाहिए, सो दैट अगर आपके स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर आपके वीडियोस को देख लेते हैं ना तो वो चीज़ यूट्यूब एल्गोरिदम में बूस्ट हो जाता है। अगर आपके कुछ सब्सक्राइबर आपके वीडियोज़ देख लेते हैं तो वही बाद में यूट्यूब उसको आगे बूस्ट करता है। सो आप इस टाइमिंग का, इस दिन का ख्याल रखें एंड उस दिन अपने शॉर्ट्स को आप अपलोड करें। और इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि अगर आप 3 वीडियोस बना रहे हो तो तीनों की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए, एक टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3 वीडियोस बनाए और एक पे एक आपने उसको अपलोड कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, आपको टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। अगर आपने मॉर्निंग में एक वीडियो डाला है तो आपको एक इवनिंग में डालना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको टाइमिंग का ख्याल रखना है 3:30-4:30 बजे या फिर शाम में आपको डालना है या फिर आपको रात में डालना है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग उसको डाल सकते हो। तो आप एक ही साथ 3 वीडियो को अपलोड करने की गलती कभी मत करना। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि आपको अपने जो आप वीडियोज डाल रहे हो और जिसपे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं उस वैसे वीडियोज आपको बार बार बनाने हैं, जिसपे आपको लाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, वैसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक आपको चूज करनी है और आपको वैसे ही टॉपिक बनाने हैं। जैसे कि जो व्हाट आई ईट इन अ डे वाले जो मेरे वीडियोस थे वो ज्यादा पसंद कर रहे थे लोग, तो मैं वैसे वीडियोस को डालती थी। एंड मेरे डिशेस जो मैं बनाती हूँ वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो वैसे वीडियोस को मैं डालती थी, तो लोग ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ते थे। मैं 1 to 100 सब्सक्राइबर, मैंने किसी को नहीं बताया था इस चैनल के बारे में कि मैं इस चैनल को ओपन कर रही हूँ, एंड मुझे लगता है कि मेरे अगर जानने वालों में से 2-3 लोगों को ही पता होगा, वो भी मेरे फैमिली मेंबर को पता था कि मैं इस चैनल को स्टार्ट कर दिया है मैंने। एंड जैसे जैसे मेरे चैनल ग्रो कर रहा था, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, तो वैसे वैसे मुझे खुशी होती थी कि मैंने अपने जानने वालों को, किसी को नहीं बताया कि मैं इस चैनल को स्टार्ट किया है मैंने। एंड तभी मुझे लगता था कि कोई अननोन बंदा मुझे मतलब सब्सक्राइब कर रहा है, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहा है, सो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस चीज़ में कई बार मेरे बेटे ने भी मेरा काफ़ी हेल्प किया है। मेरा बेटा है, अगर आप मेरे को रेगुलरली देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा बेटा है 5 ईयर्स का, एंड मुझे वीडियो बनाने में वो काफ़ी हेल्प करता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि मेरे किसी वीडियो में, आप शॉर्ट्स में देखा होगा आप लोगों ने, कि मेरे हेयर जो है वो काफ़ी उड़ रहे हैं, एंड उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, मैं और मेरा 5 साल का बेटा मेरे साथ रहता है, तो
कई बार ऐसा होता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ एंड मैंने उसको ड्रायर पकड़ा दिया है एंड मेरे हवा में उड़ते हुए तो आप लोगों को दिखता है वीडियो में कि उड़ रहे हैं, लेकिन वो जो हवा में उड़ते हैं मेरे बाल, वो मेरा 5 साल का बच्चा है जो ड्रायर लेकर के पकड़ा रहता है और मेरी हेल्प करता है कि मम्मा इस टाइम पे बोला है आपने ऑन करने, तो मैं ऑन करूँगी, जो कि मेरे लिए काफ़ी मतलब वो हेल्पफुल रहा है। ये तो रही ये बात की, लेकिन जब मैं बात करूँ तो मेरे लिए भी 1 to 100 सब्सक्राइबर काफ़ी मुश्किल रहे हैं, लेकिन जब मैंने गिव अवे देना स्टार्ट किया तो फिर मेरा चैनल जो है एक टाइम पे ग्रो करने लगा एंड उस टाइम पे काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे सपोर्ट भी किया एंड और सपोर्ट करते भी हैं, अभी भी करते हैं, अभी भी मैसेज आते रहते हैं उन सबके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ हो एंड मुझे वीडियो बनाने में भी काफ़ी मज़ा आता है कि आप सब मुझे देख रहे हैं एंड मैं मुझे काफ़ी मतलब ऐसा फील होता है ना कि आप लोग मेरे साथ हो, तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है वीडियो बनाने में। सो 1 to 100 तो मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए, 500 तो और भी मुश्किल रहा, लेकिन एक बात है कि आपको 1 to 1000 सब्सक्राइबर करने में जितनी मुश्किल आती है, जितना आपको डिफ़िकल्टीज फील होती है, वो आपको 1000 सब्सक्राइबर के बाद नहीं होती। ये तो मैंने भी सुना है बड़े बड़े यूट्यूबर से और मेरे फेवरेट यूट्यूबर से मैंने सुना है। सो अगर आपने ये सारे ट्रिक्स फॉलो कर लिए तो मेरी गारंटी है कि आपका शॉर्ट्स ज़रूर वायरल होगा और आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा। तो इन सारे टिप एंड ट्रिक्स को ज़रूर अपने चैनल में अप्लाई करें एंड अपने चैनल को ग्रो करें, फास्ट ग्रो करें। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ के सीरीज़ मैं लाने वाली हूँ। जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा ऐसे ऐसे वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। तो ये थे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने अपने शॉर्ट वायरल करवाने के लिए बहुत यूज किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें एंड अगर आपने कोई भी मेरे ट्रिक्स अप्लाई की है अपने चैनल पे एंड आपको अगर वो हेल्पफुल रही है सो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।